हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो A3 प्रो, आज इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे और पूरा का पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे इसका अंदर का प्रोसेस कैसा होता है, इसकी डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा सेटअप कैसा होता है। ये मोबाइल जो होता है ओप्पो A3 प्रो जो होता है, हमारे फ्रेंड ने अभी लिया है, सिर्फ एक महीना हुआ है, लेकिन फ्रेंड ये डैमेज हो चुका है। गारंटी वारंटी के लिए बोला था लेकिन अभी तक एक महीना हो गया, इसमें अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। कस्टमर ने हमारे पास लेकर आए हैं और अब हम इसको चेंज करेंगे और डिस्प्ले इसकी जो डैमेज हो चुकी है और इसका, इससे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम करेंगे ओप्पो A3 प्रो और आपको दिखाएंगे इसकी कि ये अंदर से कैसे दिखता है, ये कैसे ओपन होता है। फ्रेंड हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिए, क्योंकि इस चैनल पर मोबाइल संबंधी हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। ओप्पो का मॉडल मैं बता दूं, ओप्पो A3 प्रो, अगर इसकी मैं रियल सीरीज की बात करते हैं तो 2665 नंबर मॉडल आता है ओप्पो का। और इसको अंदर का प्रोसेस आपको पूरा का पूरा बताएंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना, जल्दी से हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, आप हमारी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ओप्पो का मोबाइल है ओप्पो A3 प्रो। जल्दी से हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और आपको एक एक चीज़ इसके अंदर की जो है वो दिखाएंगे। इसको पूरा तरह से ओपन करने से पहले हीटिंग मशीन पर गर्म करना पड़ता है, 120 डिग्री तापमान पर इसको गर्म करने के बाद में इसका बैक पैनल जो होता है एक नाइफ चक्कू के माध्यम से इसे हटाना होता है, बड़े आराम से हटाना होता है। ना देखिए बैटरी और फिंगर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, बैक पैनल हटाना ही इसका ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक पैनल हटाने के बाद ही इसके स्क्रू खुलेंगे, बाद में ही ये ओपन होगा। तो आप बता दें कि ओप्पो A3 प्रो को ओपन करने से पहले फोल्डर या बैटरी चेंज करने से पहले आपको बैक पैनल इसी प्रकार से आपको हटाना होगा, जैसे कि हम वीडियो के अंदर हटा रहे हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं बैक पैनल हटाने के बाद में आपको बैटरी इस प्रकार से दिख जाएगी। तो फ्रेंड इसको बैक पैनल हटाने के बाद में आप देख सकते हैं बैटरी इस प्रकार से आपको लगी हुई दिखेगी। डबल सेटअप कैमरा इसमें लगा हुआ है और सबसे पहले हमें इसके जो एक एक करके सारे स्क्रू खोलने होंगे बैटरी निकालने के लिए और फोल्डर को अलग करने के लिए, इसके ऊपर लगे हुए सारे स्क्रू खोलने होंगे। सारे स्क्रू खोलने के बाद के ऊपर इसकी जो फ्रेम होती है उसे हमें इसको मदरबोर्ड से अलग करना होगा। बैटरी और फोल्डर खोलने के लिए इसके ऊपर जो फ्रेम लगी हुई होती है वो हमें हटानी होती है। तो सिम ट्रे को बाहर निकाल के इस फ्रेम को खोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिंगर की सावधानी से ध्यान रखना होता है, कहीं फिंगर टूट ना जाए। नया मॉडल है ओप्पो A3 प्रो, फिंगर आपको मार्केट में देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही सावधान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें साइड फिंगर आता है। देख सकते हैं आप साइड फिंगर का पता, सबसे पहले इसको आपको डिसकनेक्ट करना होगा और इसके बाद में आप बैटरी जो होती है इसके ऊपर लगी उसको भी आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। बैटरी का जो ये पत्ता है ये आप हटा सकते हैं और भी इसका डिस्प्ले पत्ता और चार्जिंग पत्ता भी हटाते हैं। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट कैमरा और वाइब्रेटर मशीन और चार्जिंग सिस्टम इसमें इस प्रकार से सेटअप होता है। बैटरी को हटाने के लिए थोड़ा इसमें गर्म करना होता है, गर्म करने के बाद इस बैटरी को आप बड़े आराम से हटा सकते हैं, इसमें कोई चाकू या किसी पेचकस का उपयोग नहीं करें। और ये बैटरी आप देख सकते हैं 5000 mAh बैटरी ओप्पो A3 प्रो के अंदर आता है। इसके बीच में एक प्लास्टिक पन्नी होती है और ये चार्जिंग पत्ता, माइक पत्ता आता है और ये डिस्प्ले का पत्ता आप देख सकते हैं। डिस्प्ले का पत्ता इसे मदरबोर्ड से अलग करने के बाद आपको थोड़ा फ़ोन को गर्म करना होगा। गर्म करने के बाद इसे मशीन के ऊपर गर्म करने के बाद इसे हम अलग करते हैं। डिस्प्ले जो है पहले से ही पूरी तरह से डैमेज है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये ओप्पो A3 प्रो का पोस्टमार्टम किया है, डिस्प्ले बैटरी सारा सेटअप को अलग अलग करके आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इस चैनल पर मोबाइल संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। देख सकते हैं फ्रेंड ये ओप्पो A3 प्रो की जो कॉम्बो फोल्डर के नाम से जाना जाता है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ये फ्रेम होती है जिस पर फोल्डर, बैटरी, कैमरा सेटअप, मदरबोर्ड इस पर लगा हुआ होता है। ये चार्जिंग सेटअप, वाइब्रेटरी मशीन, माइक सेटअप इस प्रकार से होता है। देख सकते हैं फ्रेंड हमने ओप्पो A3 प्रो का ये पोस्टमार्टम किया है। कैमरा डबल सेटअप है, फ्रंट कैमरा भी इसमें होता है, सिम ट्रे और ये फोल्डर और ये इसकी